हेलो बच्चू, कैसे आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम से तैयारी अच्छी चल रही होगी। 1 महीने से कम का समय हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन में रह गया है। हालांकि हमारे पास कोई अभी ऑफिशियल डेट नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होगा कब, बट आज नहीं तो कल 10 दिन 5 दिन में वो शेड्यूल भी हमें क्या होगा मिल जाएगा। और शेड्यूल मिलते ही हमें पता चल जाएगा कि किस डेट पे हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक ना। ऐसे में हम क्या करेंगे कि अपनी तैयारी को और पिकअप देंगे, ठीक ना। कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जामिनेशन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। तो प्रेशर लेने की एकदम जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने से कुछ होने वाला नहीं है, एकदम प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। हम प्रेशर क्यों लें, किस बात का प्रेशर लें? सब चीज हमको पढ़ा दिया गया है, उसी में से एग्जाम में आएगा, तो हम उसकी तैयारी करें। प्रेशर लेने से क्या होगा, केवल हम ये सोचते रहेंगे, ठीक ना, कि एग्जाम हमारा होने वाला है, एग्जाम होने वाला, एग्जाम आ गया, हमने कुछ नहीं पढ़ा तो प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एकदम नहीं, एकदम इसके बारे में सोचना ही नहीं, एग्जाम हमारा आ गया, हमने नहीं पढ़ा। नहीं, हमने पढ़ा, हमारी तैयारी ठीक है। अब उस तैयारी को थोड़ा सा और क्या करना है कि फिनिश करना है, बेटर फिनिश करना है। करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, उनके पार्ट को देखिए, उसके बारे में जानिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को क्या कीजिए, एक रफ ले लीजिए, हमारे कहने से एक रफ कॉपी ले लीजिए, ठीक। उस पर उन क्वेश्चनों को लिखिए, क्वेश्चन के लिखने के बाद उसका आंसर लिखिए, आंसर लिखने के बाद उसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद जब आपको लगता है क्वेश्चन हमको लर्न हो गया है, तो फिर उस क्वेश्चन को विदाउट किसी हेल्प क्या कीजिए, लिखिए, ठीक ना। जब उस क्वेश्चन को विदाउट किसी हेल्प के एक बार आप लिख लेंगे, तो निश्चित रूप से अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को बेटर फिनिश करेंगे, ठीक। और कहा जाता है कि जैसे कि बच्चे स्टूडेंट जो है वो हमेशा क्या करते हैं कि टालते रहते हैं, आज कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं है, आज से नहीं, अभी से पढ़ाई तुरंत और अभी से स्टार्ट करें। जो प्रेशर आता है वो इसीलिए आता है कि हम पढ़ाई को क्या करते हैं, टालते रहते हैं, कल पे परसों पे, ठीक ना, ऐसा नहीं करते, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे ना, प्रेशर तुरंत का तुरंत क्या हट जाए। हर स्टूडेंट अपने आप में एक यूनिक होता है, जो स्टूडेंट कर सकता है वो कुछ कर सकता है, नहीं सवाल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को रख के लिख लिख के लिख लिख के उसके बाद उसको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद क्या करेंगे, उसे अपने बिना किसी हेल्प के लिखेंगे। ऐसा करने से काफी हेल्प मिलेगा। जो पढ़ पढ़ के हम कर रहे थे, पढ़ पढ़ कर याद कर रहे थे, अगर उसको हम लिख लिख कर याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो पढ़ के याद करें उससे 7 टाइम्स ज्यादा वो लर्न होगा, ठीक ना। और कहा जाता है कि हम टाइम टेबल बना लें। हाँ, टाइम टेबल तो होना ही चाहिए भाई, टाइम टेबल बना ही लीजिए, ठीक ना। लेकिन टाइम टेबल किस तरह का बनाएंगे, क्या इस तरह का टाइम टेबल बनाएंगे कि 4 बजे से 6 बजे तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 6 बजे से 7 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे, 7 से 8 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे। या फिर एक टाइम टेबल ऐसे बनता है कि किसी भी टाइम में सारे सब्जेक्टों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उन सारे सब्जेक्टों को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन उसका टाइम निर्धारित नहीं होगा, ठीक ना। ये भी ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पर डे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, फॉल्ट है। 1 घंटा ही सही, 1.5 घंटा ही सही, क्या करना है कि हमें उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक ना। पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को राइट करेंगे, राइट करने के बाद लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद पुनः एक बार क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। पर डे 4 ही क्वेश्चन पढ़ें, 3 ही क्वेश्चन पढ़ें, 2 ही क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन फिनिश टच दें उसे, उसे क्या करें, फिनिश कर दें, ताकि जब एग्जामिनेशन का शेड्यूल आएगा और उसमें हमारे पास जो रहेगा उसको अगर हम प्रीवियस 1-2 दिन में पढ़ लें, ताकि वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। और जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं कि हमारा जेरा बहुत घबरा था एग्जाम अगर, अरे भाई कहीं जेरा घबरा था, ये तो मालूम रहा ना कि अगर हम फॉर्म भरे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जाम होना ही होना है ना, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक ना। आज सिर्फ पढ़ाई जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आएगा, और बेटर देंगे हम अपना किसमें, एग्जाम में, ठीक ना। उम्मीद है फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा।